Good morning, everyone. Welcome back to online class of BBS International School. As we are doing class seven geography chapter first, that is our environment. So I'm going to start from the last topic that we have left yesterday, that is components of environment. As we, as I told you earlier. द कम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडेड टू टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सेकेंड इज मैन मेड और कल्चरल इन्वायरमेंट अब जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट है वो दो भागों में बांटा गया पहला है आपका बायोटिक इन्वायरमेंट दूसरा है आपका अबायोटिक इन्वायरमेंट बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आपके प्लांट्स एनिमल और ह्यूमस आ जाते हैं और अबायोटिक के अंदर आपके लैंड वाटर एंड एयर आते हैं नाउ मूविंग टू मैन मेड या फिर कल्चरल इन्वामेंट तो इसके अंदर हर एक ऐसी चीज़ आती है जो ह्यूमस ने बनाई होती है जैसे कि आपके रेसिडेंशियल हाउसेस एंड बिल्डिंग्स हो गए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रोड्स डैम्स ब्रिजेस वगैरह या कोई भी इकोनॉमिक चीज़ें हो गई जैसे इंडस्ट्री शॉप्स जिससे हमारी अर्निंग होती है एंड नेक्स्ट इज़ सोशल एंड कल्चरल चीज़ें जैसे कि आपके मोनोमेंट्स हो गए एजुकेशनल स्कूल्स हो गए लाइब्रेरीज हो गई तो ये सारी चीज़ें आपके कल कम्पोनेंस ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं और ये फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग ठीक है एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉट इज एन इको सिस्टम अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली अब हम नेक्स्ट टॉपिक इको सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं सो so, हीयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल और ह्यूमस कैन लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन दे आर डिपेंड अपॉन देयर इमीजिएट फिजिकल सराउंडिंग फॉर सर्वाइवल इन द प्रोसेस दे आर इंटरेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर ऑल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर दिस इंटर रिलेशनशिप क्रिएट एन इको सिस्टम अडोप्टेड टू पर्टिकुलर कंडीशन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इको सिस्टम क्या होता है इको सिस्टम वो एनवायरमेंट होता है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो इनको किसी भी एक जगह पर रहने के लिए अब हम इनको कंप्लीट आइसोलेट तो नहीं कर सकते इनको कहीं पर रहने के लिए किसी ना किसी पर डिपेंडेंट होना पड़ता है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं अगर उनको सर्वाइवल करना है उनको जीना है तो वो किसी पर डिपेंड होंगे खाने के लिए वो फ्रूट्स या फूड या एनिमल्स पर डिपेंड होंगे ऐसी मतलब एक फ़ूड चेन फॉलो होती तो ये जो इन्वामेंट है जहाँ पे हम रहते हैं जहाँ पे हमारी लाइवलीहुड है वहाँ पे हर एक चीज़ एक ना एक फिज़िकल सराउंडिंग पे या फ़िज़िकल इमीडिएट फ़िज़िकल चीज़ों पे अपने डिपेंड होती है चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो या चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो हर एक का एक इंटर रिलेशनशिप है इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पर तो ये एक इन्वामेंट है जहाँ पर हर एक लोग एक दूसरे को अडॉप्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है इसी को हम एकोसस्टम कहते हैं ठीक है जैसे कि डिपेंड करते हैं वो किसी भी फिजिकल पे या क्लाइमेट कैरेक्टरस्टिक्स पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ग्रुप्स पर कम्युनिटीज़ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं उस एनवायरनमेंट को इकोसिस्टम कहते हैं ठीक है